यार लैंडस्लाइड हुआ है हुरलिंग में, बताया जा रहा है कि रात को हम 10 बजे के आसपास ये क्रॉस कर रहे थे गाँव को पहुँचने के लिए, और गांव वालों ने हमारी गाड़ी रोकी, बोला कि आगे मत जाओ, लैंडस्लाइड है बहुत ज़्यादा, ये बारिश बहुत काफ़ी देर बारिश चली यार, 2-2.5 घंटे बारिश चली, पहली बार मैंने बारिश देखी मैंने यहाँ पे। तो ऐसे हमें एक होम स्टे लेना पड़ा क्योंकि अब स्टे तो करना पड़ा गाड़ी में सोते, तो अब निकलेंगे 6 बजे, देखते हैं रोड कंडीशंस कैसी हैं, रोड सच में लैंडस्लाइड था या फिर बेवकूफ़ बना रहे थे लोग, मुझे जाके देखते हैं अब क्या सीन है वहाँ पे आगे। ये देखो अभी भी बादल हैं, बारिश के चांसेस आज भी हैं, और वो पीछे में तो देखते हैं क्या सिचुएशन आगे रोड पे, जाएंगे तो ही पता लगेगा, अब तक तो आगे गए नहीं थे। अनुज सीखो प्रकार चलो यार, अब रास्ता खुला पाएंगे भाई, रास्ता खुला होगा, रात को भी खुला होगा, पता नहीं यार, चलो जो भी है देखते हैं अब क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, चिड़िया है वो है पता नहीं भाई। स्लाइड तो रखा, देखो यार देखो कितना कीचड़ है, पत्थर भी दिख रहे हैं यार, वो सही कर रहा गाड़ी वाला। ये देखो यार, ये तो पीछे जितना भी दिख रहा है ये सारा लैंडस्लाइड है, मतलब तो वो जो लोग रात को कह रहे थे वो सही कह रहे थे, और अच्छा हुआ यार वो वहाँ रुक गए। अभी आगे जाकर चल के देखते हैं कितना क्या स्लाइड हो रखा है, यहाँ से दिख रहा है कि वो पत्थर सारे बहुत सारे पीछे आ रखे हैं। भयंकर स्लाइड आ गई, 300 खड़ी है, 100 भी 300, और शायद वो क्लोज नहीं कर पा रही, लोग हाथों से पत्थर उठा रहे हैं, तो हमें भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, हमारी 4x2 है, 4x4 है नहीं, तो अब चल के देखते हैं भाई की मदद करते हैं, गाड़ियाँ निकालते हैं पहले यहाँ से, और आगे का तो भगवान जाने कितना क्या मिलने वाला है अब आगे। भाई देख रहे हो रोड की कंडीशन, मतलब पूरा पत्थर स्टोन पूरा उस वहाँ तक रिग्यू विलेज से लेके यहाँ तक 2-3 किलोमीटर आप पाचे पूरे पर स्टोन ही स्टोन है। एक मिनट रुकियो भाई रुक, भाई हटाने पड़ेंगे तो रुक जा, ऊपर से कुछ आते हैं बड़े बड़े डाल लेते हैं इस पत्थर पे, आंदो टायर पे इस पत्थर पे, हाँ इस पत्थर मोटे वाले पता कि ये इस तरफ आए, पता नहीं अभी मलिंग कैसा हो पता नहीं आगे, फोन करके पता लग जाएगा, ऊपर नहीं पता उनको नाकू वालों को भी रास्ता कैसा है, उनको पता होगा ना। ये देखो भाई रात को कितना ज्यादा स्लाइड हुआ, आराम से आराम से, आप भी लिया आप भी लिया, भाई गजब का स्लाइड हो रखा है, सही में सही कह रहे थे वो गांव वाले ने हमें सही जानकारी दी थी कि आपको स्लाइड बहुत भयंकर हो रखा है इस रोड पे, बहुत भयंकर बड़ा स्लाइड है। अब चलते हैं आगे क्या कंडीशन, आगे जाके देखते हैं। रुकियो भाई रुकियो, एंड कहाँ से बंद है रोड, आगे जो राइट वाली पहाड़ी आती है गिर रही क्या, हाँ ये वाली पहाड़ी जो आगे जाकर आती है, अच्छा जाना है आपने आगे, जाना तो है यार, देख लेते हैं वापस आ जाएंगे, हाँ गाड़ी एंट्री कर लो। ओ भाई साहब बोलो निकालता हूँ, निकाल 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 भाई, पत्थर पड़ा है भाई, गाड़ी तो खाली 30 पे है। ओ भाई साहब मिलेंगे, भाई फंस रही और फंसती जा रही है, बारिश हो रही है, पीछे ले लेते हैं बैटर आएगा, पीछे जाकर सुन दो अपने चेक पोस्ट वेट करते हैं, जान दे जान दे भाई जान दे, जान दे पीछे आने दे वापस भाई, मत जाके मत जा पीछे पीछे ऑफिस में ले,
नहीं भाई कीचड़ है बहुत ज्यादा, मलबा है पूरा पूरा वो। नहीं नहीं भाई ऊपर से पत्थर उठा रहे हैं, पता नहीं गंदे में। हाँ मोड़ ले भाई मोड़। हाँ भाई ITBP सुमदो ने हमें बैठने का ऑप्शन दिया, थोड़ा बैठे जिम कर लो भाई, अब यही रहेगी करनी। पत्थर तो उठा लिया हमने हाथों से, अब जिम और रहेगी करनी है ना। ये वाला तो पहाड़ सामने वाला, ये वाला पूरा स्लश का भरा, देख ये सलाह कभी भी हो सकता है नीचे, और जो स्लश आई इससे उससे आई, और देखिए ऊपर से ब्लैक है ना, ये ऊपर से भी ब्लैक हो रखा है, ये वाला राइट वाला से आ रही है स्लश ज्यादा। देखो कब तक क्या, ये जो सामने पहाड़ी है ना ये पूरा स्लश है, और बढ़िया पत्थर पड़े ऊपर से आ गए ना नीचे, और अभी बारिश हो रही है तो कोई उम्मीद नहीं ला सकता हम कितना क्या होगा। तो सुन दो ITBP को उन्होंने हमें स्टे दिया है बैठने बैठने के लिए, तब तक ये मौसम नहीं खुलता तब तक। अभी थोड़ा मौसम खुला है यार, देखते हैं क्या होता है, बारिश तो बंद हुई है, रोड खुलता ही खुलता है पता नहीं है, क्योंकि यहाँ से ले गए और वो जो लास्ट वहाँ बोर्ड देखा ग्रीन, यहाँ तक तो हम चेक करके आए हैं, वहाँ तक ये वो दिख रहे हैं ना वो, ये वाला ये सब स्लाइड है अच्छे वाला गहरा पानी का, मतलब इसमें दलदल भी है कीचड़ ऊपर से आ रखा उस पहाड़ से, वहाँ से कीचड़ भी आ रखा प्रॉपर। वहाँ पे आते हैं वैसे छुट्टी है बट शायद क्योंकि रोड मेन है सारा स्पीड का सब कुछ यहीं से चला जाता है, तो खोल दें जल्दी, वेट कर रहे हैं अब। बाकी उम्मीद क्या दिल्ली निकलने की नागपुर से अभी, क्योंकि अब नागपुर से होते तो निकल चुके हो तब तक, बट अभी तो यहीं फंसे, अभी तो नागपुर से एक घंटा दूर हो रहे हैं, और पानी का फ्लो देख रहे हो कितना आ रहा है, मतलब बड़ी रहेगी क्योंकि कल रात से बारिश हो रही कंटिन्यू, तो बड़ी रहा है ये। वो देख रहे हो पैदल जा रहा है, उसको इतनी दिक्कत हो रही है, तो गाड़ी में क्या हो, देखो बिल्कुल से साइड से ये साइड पट्टी है ये यूज़ कर रहा है वो निकलने के लिए, मतलब रोड का रास्ता ही नहीं है, वो बंदा आ रहा है वो रहा। ओ भाई ये तो पूरा ही बंद है भाई, ये है क्या करना है अभी करता हूँ आगे मैं। हम हैं यहाँ पे समदो, ठीक है ये है पूरा स्पीति का सर्किट अपना गर्मफू तक, क्या क्या आपको देखने का। इसमें नाको तो दिख ही रहा हूँ मैं, नाको नहीं है ना इसमें, नाको नहीं आएगा, हम यहाँ है ना, हम यहाँ पे हैं और हम आ रहे हैं हुरलिंग, अभी हम आ रहे हैं यहाँ से हुरलिंग से, एंड हम कल गए थे कल यहाँ तक किपर चिचम्बरी, चिचम तक गए थे ना, चिचम्बरी यहाँ तक गए थे, चिचम विलेज भी तो गए थे वो, जो अच्छा वो मोनेस्ट्री कहाँ थी, वो की मोनेस्ट्री, ये की मोनेस्ट्री है, की मोनेस्ट्री है यहाँ, हो किम इक्किम वगैरह गए थे हम, इक्किम कॉमिक ये पोस्ट ऑफिस था यहाँ पे, और लांगचा गए थे लांगला, एक मिनट गाड़ी में काफी सही देखिए पिन वैली बुद्ध विलेज, ठीक है ये संगम था ना, हाँ जी कहाँ का मैप है पूरा स्पीति का, हाँ यहाँ का मतलब यहाँ का टूरिस्ट, ये लोकल एरिया का, तो हम यहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे, यू आर हियर भाई, फोटो खींच ले, वीडियो रिकॉर्डिंग क्या कर रहा है, ये फोटो पे सब कुछ आ जाएगा, अरे भाई ये कंटेंट के लिए काम आएगा ना, थैंक यू थैंक यू। आगे बंदा तो ये प्रसाद है ITBP की तरफ से हमारे लिए, यार हुरलिंग का भी खराब ही उधली उधर भी गिरा हुआ है, यहाँ वहाँ भी क्या करेंगे रुकने का, ठीक है यार आप लोगों ने कमरा दे दिया इसी में काम चल जाएगा हमारा। बहुत टेस्टी है सीरियसली, लग नहीं रहा यार यहाँ से निकलने का, क्योंकि आगे सियालखेर एक गाँव है जिसमें वो यहाँ से 8 किलोमीटर है, पर बताने कम्प्लीटली ख़त्म है स्लाइड इतना ज़्यादा उधर, तो टाइम ऐसे 2-3 घंटे तो उसी को साफ करने में लग जाएंगे, और यहाँ से तो स्लाइड है ही है,
तो ये 8-10 किलोमीटर का पैच है जिसमें टाइम लगने वाला बहुत ज़्यादा, और ऊपर मलिंग पास का तो पता ही नहीं वहाँ पे क्या सिस्टम है अभी तक, क्या सीन है वहाँ का। तो आज का दिन तो मुझे लग रहा है बुरा फंसेंगे यहीं पे, हम कहीं जाने के नहीं है, देखते हैं अब क्या होता है, क्या करते हैं। या वो वापस हुरलिंग जाएंगे, वहाँ पर होटल वगैरह लेंगे, वहीं स्टे करेंगे, या फिर यहीं रह के ITBP वालों से हेल्प लेंगे, यही हमारा काम चलाएंगे भाई यहाँ पे। तो देखते हैं अब क्या होता है, शाम तक का टाइम है, मेरे को क्लियर कर दे, निकल जाते हैं आगे, फिर देखते हैं क्या रहेगा। नीतीश लक्ष्मी अरे यहाँ बसी थी हमारी गाड़ी, और उसके बाद तो सारा ही है, मतलब इस ये पैच तो मुझे इस मोड़ तक लग रहा है सारा ना, उस मोड़ तक, ये तो कंफर्म इस मोड़ तक जो दिख रहा है हमें, मतलब फुल पैक है ये स्लश, वो पड़ा उधर, वो पूरा ये पड़ा उधर, और हमारी गाड़ी यहाँ फंसी थी। चढ़ती नहीं भाई इसको, वही चढ़ती इसको पता नहीं चढ़ती भाई, ये रहे हमारी गाड़ी पे टायर तो आएंगे। हाँ हाँ ये देखो पैदल चल, आप नहीं चल पा रहा है, गाड़ी कहाँ चलती, इतनी भारी 250 किलो की है। देखो कब तक खोलते हैं, आगे ज्यादा बेकार बता रहे हैं, उधर शेलखेर जो ना उधर ज्यादा बता रहे हैं। हाँ अभी जो पहले की फोटो है, आपकी फोटो है, फिर पता नहीं फोटो आ रही थी, ये पार्क की भी गाड़ी है। धुआं उठ रहा ना यहाँ पे, चल रहे हैं गोले, आई थिंक 20 से 25 से गोले दाग चुके हैं, बड़ा बड़ गोले की आवाजें आ रही है, यहाँ गूंज रही पहाड़ों में आवाजें ना, मतलब ऑलरेडी यार इतना लैंडस्लाइड हो रखा है, हमें और डरा रहे हैं ये गोले दाग दाग के, भाई हमें जाना था यहाँ से, फिर दाग लेना जितने गोले दाग रहे हैं। राउंड कितने 9-10 घंटे पर रोड खुला है ना, हमें इधर आगे भी क्लियर पाना चाहिए भाई, नहीं तो भसड़ मच जाएगी ऐसी दोबारा फिर से ना, हम इस वाली में फंसे थे ना, देख कितना कीचड़ था भाई, देखियो मजाक थोड़ी था यार, मतलब ही नहीं था। हाँ सबसे पहले खड़े हैं, सबसे आखिरी में निकल रहे हैं, बैक हो गए आगे तक अप्रोच नहीं थे स्पीड में, देख कितना था यार, छोटा मोटा नहीं था। हाँ ये देखिए था, देख कितना था, ये देख ये फाड़ दी पूरी ग्रिल से, देख चलो बल्ले बल्ले। देख यार कहाँ से निकलते हैं हमें, अच्छा भाई रुकिए, ये बैम्बू लगे हैं इसके, हाँ यही था वो, देख यार कितना आया, अरे ये थी यही थी वो, यही थी वो, अरे पार्क्ड कार है ये, मिनिस्ट्री ऑफ माइंड गई बोले, अरे टोटली भाई किसके भी रहना 100 रुपए देना 200 रुपए देना इसको है ना, थैंक यू भाई बाग वाले मालिक, तेरे सेब लेके जा रहे हम, हरा भी भाई यहाँ तो ये रहा, पर पता नहीं मीठा पाएगा नहीं पाएगा, ये अभी हरा होकर लाल होगा भाई, वो होगा ये हाँ हरा होकर लाल होगा, ये वो वाला है, अरे बहुत हो गए 5 सेब, चलो पानी का फ्लो कितना आ रहा ऊपर से, आ कहाँ से नहीं पता क्योंकि फ्लैट माउंटेन है ऊपर जाके ना, बट किधर से आ रहा पता नहीं, पानी इतना भी इतना पानी, ये इधर नीचे जाके आती है नाको लेक, ये सारा पानी वहीं जा रहा है, चलते हैं लेक देख के आते, लेक थर्ड टाइम है शायद, बट लेक पे
फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ अब तक लेक देखी थी और मेरे फोटो से मैक्सिमम 20 फुट की दूरी पे है, बट कभी ट्राई नहीं करी जा रहा और लेक देख के आते हैं। आज देखते हैं टाइम निकला, वहाँ से ट्रैफिक से निकलने के बाद अब मौका मिला है कुछ यार, बहुत बुरा हाल था वहाँ पे लैंड स्लाइड के बाद, अब लेक देखते हैं यहाँ पे। ओह लो पानी कितना तेज है, करने का है क्या यहाँ पे। ओ तो ये है नागपुर लेक, मतलब कितना पानी यार। ओ अच्छी है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कमर्शियल हो गया इतना रश, इतना ट्रैफिक ना यहाँ भी, मतलब पहले जो होता ना बहुत लाइट, मतलब ऐसा कुछ नहीं था रश। ये उधर नागपुर हेलीपैड है ये वाला, मतलब अब वो चीज नहीं रही नागपुर में, छोटा सा गांव हुआ करता था अब इतना कमर्शलाइज हो गया ये भी सब कुछ। चल यार अब यहाँ से ड्राइव स्टार्ट करते हैं दिल्ली के लिए, देखते हैं उसके बाद अपना नेक्स्ट, देखते हैं स्टे करेंगे या फिर कल चलते रहेंगे वहाँ जाकर ट्राई करेंगे शिमला या फिर जो भी, उसको डिपेंड करते हैं क्योंकि यहाँ से 18 आवर्स की ड्राइव है दिल्ली की नॉन स्टॉप, और कल से वैसे ही परेशान है लैंडस्लाइड के उससे, तो देखते हैं हम स्टे करें या फिर चलते रहें, वो डिपेंड करता है आगे जाके मेरे मूड पे। चलो निकलते हैं यहाँ से, पहले देखते हैं वॉशरूम, ठीक है। ये हिमाचल टूरिज्म का पड़ता है रामपुर में, होटल रिजोर्ट कुछ कह लो आप उसको, ठीक है। ये वैसे का बालकनी व्यू है, ये देखो ये इसका बालकनी व्यू है।